साथियों, क्या बात है, क्या बात है ये। अरे पार सुरेंद्र भाई जी हो, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है जियो दुर्गबीजा बाबू जियो। अच्छा भैया, एक बिरहा प्रस्तुत बा हमारे संत विजय यादव के चैनल से, यूपी टॉप म्यूजिक के तरफ से। हम गायक कलाकार जैसा कि आप जानते हैं धनंजय यादव, गोरखपुर जिले का बहुचर्चित कांड, बाहरे जमाना जहां नारा दिया गया सर्वजन हिताय, आज वहां कैसा खेल हो रहा है जात पात का। भाव लगा भूमिका से मास्टर। भाव लिखा है हमारे कवि सुबेदार यादव ने, भूमिका से लाइन लिखा गया कैसे। अरे फटही लुगरिया चुनरिया से पूछे, अरे अचरप फटली पेवना सटी है कि नाही, कुछ के झोपड़िया अटरिया से पूछे, अरे घन घोर बदराई छटी है कि नाही, टूटा ही नेवरिया हई लहरिया से पूछे, अरे झोंका पवनवा के छटी है कि नाही, अरे विधवा या भागिनी सुहागिनी से पूछे, दिनवा हमार फिर लवती कि नाही। बाहरे गोरखपुर की धरती, आज जहां हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी का घर है, वहां की हालत क्या है। आज बाढ़ से लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं, लेकिन बाढ़ के साथ साथ घटना की भी बाढ़ आ गई है। एक लाइन यहां कव्वाली के तर लगल कौन मास्टर। कैसे उहे दर्जलबा, आज इस स्टूडियो में हमारे तमाम साथी मौजूद हैं, हमारे भाई बिरहा के सम्राट गायक ज्ञानी यादव बनारस जो स्वर्गीय रामदेव चचा के भतीजा हैं, हमारे कवि सूबेदार यादव जो आज मौजूद है हमारे साथ, और हमारे कवि परम आदरणीय आप जो हमारी गीतों को अभी लिखते हैं अभिराम कवि जी, आप भी मौजूद हैं। रिकॉर्डिंग पर हमारा छोटा भाई जितेंद्र यादव जीतू जो भोजपुरी गीत गाते हैं, तमाम लोग आज मौजूद हैं। और हमारे भाई जिनका स्टूडियो आजमगढ़ लक्ष्मीरामपुर में, बड़े भाई अभिमन्यु यादव
जो इस पूर्वांचल की धरती पर तहलका मचाए हैं बाल मुकुंद मास्टर, तो ये संत विजय भाई अनीता राजभर सुना, अरे न सोनरा का ठक ठक न लोहरा का ठाई दे, ये देखा लोहरा का हथौड़ा गिरे जाता। कैसे मास्टर, कौनो लड़की लड़का से कहलस कैसे? अगर दिल, अरे अगर दिल दिल से टकराता रहेगा, अगर दिल दिल से टकराता रहेगा, मजा ले ना मजा आता रहेगा, मजा ले ना मजा आता रहेगा। बारे हमारे सूबेदार कभी जिनकी लिखी हुई गीत आप लगातार सुनते हैं और मैं चैनल पे गाता हूँ, सुबेदार भाई ने लिखा है क्या, जरायम इस तरह चलता रहेगा, चलता रहेगा, जरायम इस तरह चलता रहेगा, गरीबों का सदन जलता रहेगा, क्या बात है। हमें से बिरहा का शुरुआत भल, कहानी कहाँ कबा भाव लगल कैसे, जिला गोरखपुर गोला थाना की कहानी है, ग्राम उलौली झरकटा जहां सरनामी है, गोरखपुर जिला के अंतर्गत गोला थाना पड़ता है और गोला थाना के अंतर्गत एक उनौली ग्राम सभा पड़ता है के रहल पुरुषोत्तम फूला के, जब पूरा सपनवा भइले अनिल अनिश तब आंचल में सुगनवा भइले, स्वर्गीय पुरुषोत्तम के दो लड़के पांच बेटियां हैं बाबू, एक लड़के का नाम बताया गया अनिल कनौजिया, छोटे भाई का नाम बताया गया अनीस कनौजिया। कहानी आगे बढ़ल तब भाव लगल का, पढ़ने लिखने में अनीस होनहार हुआ, अनीस जो छोटा भाई था पढ़ने लिखने में बहुत तेज तर्रार था, इसलिए भाव लगा कभी का क्या, पढ़ने लिखने में अनीस होनहार रहा, पढ़ाई प्रियण में दीप्ति से करता प्यार रहा, नौकरी पीरियड में अनीस पढ़ाई में बड़ा तेज तर्रार रहल, प्रारंभिक शिक्षा गांव से करने के बाद वह अनीस कनौजिया कहां पहुंचे, बड़हलगंज पीजी कॉलेज डिग्री कॉलेज जो है वहां जाकर के अनीस कनौजिया पढ़ाई का काम शुरू किए,
वहां से पढ़ाई करने के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय में पहुंचे। आप विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के बाद अनीश कनौजिया, अरे बाबू फार्म भरते हैं, एक नौकरी मिलती है। कौन सी नौकरी मिली मास्टर? भाव लगा, नौकरी पाए दोनों। अरे पंचायती अधिकारी की निभाते रत्न दोनों अपने जिम्मेदारी की। अरे भैया अनीश कनौजिया पंचायत अधिकारी की नौकरी पाते हैं। नौकरी जब पाते हैं बाबू, ट्रेनिंग पीरियड में एक लड़की दीप्ति मिश्रा जो ब्राह्मण कुल में है, ट्रेनिंग पीरियड में दीप्ति मिश्रा से मुलाकात होती है और मुलाकात का सिलसिला आगे धीरे धीरे जब बढ़ता है तो दीप्ति मिश्रा से प्यार होने लगता है। और जब प्यार हो गल बाबू तब बाहरे बाबू एक ठे गीत हमरे कवि लिख ले। कौन गीत बा मास्टर? उहे गीत के लाइन बा, फिल्म का गीत बा। अरे यूपी वाला, यूपी वाला ठुमका लगाऊ कि हीरो जैसे नाच के दिखाऊ। अरे नाच के दिखाऊ गोरिया, नाच के दिखाऊ। अरे संगे संगे, अरे संगे संगे तुझे भी नचाऊ। अरे भैया वह अनीश कनौजिया और दीप्ति मिश्रा प्यार जब करने लगे तो कहानी आगे बढ़ल। भाव लगल, चकवा से कहले चकैया, अरे चकवा से कहले चकैया अपना सहात बाजू दैया। अरे करा कुछ कवनो उपैया, करा कुछ कवनो उपैया अपना सहात बाजू दैया। जब कुछ दिन का समय बीतल वह दीप्ति मिश्रा अनीश कनौजिया धीरे धीरे जब प्यार की गाड़ी वो परवान पर बढ़ल बा तब दोनों शादी के बंधन में बंधल। भाव लगल कैसे? अरे लिए साथ फेरा बाबा मंदिर के भितारिया, और ब्याह कैलन। भाव लगल, अरे मिलल परिवार के जब शादी का खबरिया, अरे उतरल बा, उतरल बा आँख में ललैया अपना सहाबा जुदैया। क्या बात है भैया? अनीश कनौजिया दीप्ति मिश्रा से जब शादी कर लिए, शादी करने के बाद बाबू कुछ लोगों का विरोध हुआ। विरोध तो हुआ लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत भइल। आ जब समय व्यतीत भइल अनीश कनौजिया और दीप्ति मिश्रा दोनों साथ रहने लगे। जब साथ रहे लगना तो एक ठे गीत लगल। कौन गीत बा मास्टर? अरे गोरी
सिरावा परी, अरे गोरी सिरावा परी, गगरी उठाई के जाली सर माई के, जाली सर माई के। दोनों साथ हैं, बार कहानी। गोरखपुर का सबसे बहुचर्चित कांड देखा है, बार जोगी का क्षेत्र कहना बाका। रहे लगलिया नीस संगे आई के, रूपवा सजाई के, रूपवा सजाई के, रूपवा सजाई के, रूपवा सजाई के ना, रूपवा सजा। दीप्ति मिश्रा अनीस के परिवार के साथ मिलजुल करके रहना शुरू किया। देखा बाबू, अनीस भी अधिकारी है, अनीस कनौजिया, और दीप्ति मिश्रा भी अधिकारी है। उरुआ ब्लॉक में पत्नी की ड्यूटी है और गोला ब्लॉक में अनीस कनौजिया की ड्यूटी है, दोनों ड्यूटी कर रहे हैं। धीरे धीरे कौन दिन आयल, ये ज्ञानी भैया 24 जुलाई आगल हो 2021 फल का। चौबीस जुलाई आई 21 का समैया, घरवा के काम हो रहल रे भैया, चौबीस जुलाई को घर का काम इठे सीढ़ी रहल, वही के बनौले का काम होत रहल। अनिल प्रधान जो 15 वर्षों से उस गांव के प्रधान हैं और आज नहीं हैं, लेकिन 15 वर्ष लगातार प्रधान रहे अनिल प्रधान जी, बड़े भाई हैं अनीस कनौजिया के, बड़े भाई अनिल कनौजिया जो 15 वर्षों से लगातार प्रधान हैं, बुला के अपने भाई से कहलन का, बोले भैया अब्बा, बोले भैया अब्बा, भैया के बुलाई की, बोले भैया अब्बा, भैया के बुलाई के, रूपवा सजाई के, रूपवा सजाई के ना, क्या बात है सुरेंद्र भाई। अनिल प्रधान बोलौना अपने छोटे भाई अनीस कनौजिया के, कहे बाबू सीढ़िया का कमवा होत बा, कुछ सामान घटत बा रे बाबू, चल जाइता तनी गोपालपुर बजरिया में आ जाके समनवा ले ले होता बारे बाबू। अनीस कनौजिया अपने चाचा के पीछे बैठल मोटरसाइकिल पर और ले करके गोपालपुर बाजार में चलल हुन। एठे गीत लगत बा कौन मास्टर, उहे गीत के लाइन बा, अरे साना नाना, अरे रतिया हो डोली। कौनो हमरे अनीता भारद्वाज नियर लड़की रहल, जब रतिया कौ सुते मास्टर, ते इतना चूके सुरेंद्र भाई, का हो गया नी भाई, तू डेरात रहल, कैसे डेरात रहल, अरे साना नाना, अरे रतिया हो डोले।
अरे बहे जब पावा पावा हो बहे जब देता लेकिन बारे भैया आज अरे बारे बाबू वो अनिश कनौजिया मोटरसाइकिल पर बैठल है बाबू और अपने चाचा के पीछे बैठौले हुन ले करके वह छोटा भाई अनिश कनौजिया हमारे अनिल प्रधान का भाई ये बाबू आज अबुनौली गांव से धीरे धीरे वही गोपालपुर बाजार के तरफ चलल हुन आ जब गोपालपुर बाजार के तरफ चलन तब भाव लगल कैसे आई ले गोपालपुरा पाला पूरा पंकज के तो दिया पंकज नाम का दुकानदार था जो बिल्डिंग मटेरियल की दुकान किया था उसकी दुकान पर अनिश कनौजिया पहुंचते हैं अपने चाचा को बैठा करके हुआ क्या मास्टर भाव लगा आई ले गोपाल के साथी लेवे घर का सबनी यारा पंकज की दुकान पे जो पहुंचे वह अनिश कनौजिया बारे बाबू सामान लेकर के पैक करवा रहे हैं तब तक अचानक उनकी फोन की घंटी बजती है फोन की घंटी बजी है अनिश कनौजिया दुकान से बाहर निकलकर बात कर रहे हैं और बात करते ही चार पांच लोग अपने मुंह को बांधे हुए सामने आते हैं और अनिश कनौजिया पे धारदार हथियार लेकर तुरंत वार कर दिए 10-11 बजे के दिन का टाइम है सोचने वाली बात है बारे समय बाहरे जमाना दिन दहाड़े गोपालपुर बाजार में उस अनिश कनौजिया पंचायत अधिकारी के ऊपर चाकुओं से धारदार हथियार से जब वार होने लगा इतना मारे बाबू कि लहूलुहान हो करके वह अनिश कनौजिया जमी पर गिर पड़े जब गिरे हैं जमी पर उनके चाचा दौड़ करके अपने भतीजे के बचाने के चक्कर में दौड़कर सामने आते हैं उन पर भी वार वाह होता है आ जब वार होता है वह भी लहूलुहान
होकर एक तरफ गिरे हैं। एक तरफ भतीजा की लाश पड़ी है, छटपटा कर उसी गोपालपुर बाजार में दम को तोड़ता है, और दूसरे तरफ चाचा लहूलुहान गिरे हैं। हल्ला होता है, जब हल्ला भयल चारों तरफ लोग दौड़े हैं। हमलावर तो भाग गए, लेकिन अनीश कनौजिया को लोग लेकर के हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक करता है, देखता है, बोल दिया डॉक्टर कि अब कुछ नहीं हो सकता, अनीश कनौजिया इस दुनिया में नहीं है। लेकिन चाचा को तुरंत गोरखपुर मेडिकल रिफर किया जाता है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चलना शुरू हुआ, लेकिन बतिया जब गांवे पहुंचल बा, भाव लगल कैसे मास्टर कौन गीत पा, भाव लगल कैसे झरी मलुआ चली दुअरवा पर। जब अनीश कनौजिया कलसिया पहुंचले बाबू, बारे वह भाई अनिल कनौजिया गोदिया में लेके अपने भाई छोटे भाई को रोवत हुआ। एक तरफ वह दीप्ति मिश्रा की पागलों सी हालत हो गई, जो लोग YouTube पर जो लोग Facebook पर देखे होंगे, पागलों की तरह चिल्ला रही है, प्यार किया था आज प्यार इस दुनिया में नहीं है। अनिल कनौजिया गोदिया में अपने भाई के लेकर रोवत हुआ। का कहलन चकुआ लगल गिरले चकुआ लगल पिरना गिरल जमीनिया हो चकुआ लगल गिरल पिरना जमीनिया हो पही चलल खूनवा की धार हो गिरल हुआ जमी पर। लेके लोग जब घरवा गईल, पूरा परिवार का हालत एकदम बदहवास हो गई, सब लोग रोत बा, गांव पूरा का लोग पगला गईलन। भाव लगल का छोड़ी के पिजा रवाया सुगना परैले हो तलावा में आईले हो। देवी दयाल कनौजिया को गोरखपुर हॉस्पिटल में भेजा गया। पागलों की तरह पूरा परिवार चित्कार कर रहा है। भाव लगा का रोवे या नीला लेकी गोद में पिरनावा की रोवे या नीला लेकी गोद में कहा गईला पीरा ना पीसार हो आज पूरा परिवार का हालत पागलों जैसी हो गई। आखिरकार कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ल, पूरा परिवार बौखलागल बाबू, सबका हालत खराब बा। टेरी के लाइन में भाव देख पड़ा सुरेंद्र भैया।
अरे कफनवा कैसे देई पीराना, अरे जीवनी जान जवानी सिंदूर भल सपनावा। आज सारे लोग गोरखपुर के धरती के तमाम लोगों के मुख से आवाज निकली कि वाह, जहां दिन दहाड़े 10-11 बजे दिन को इस तरह चाकुओं से गोद कर जघन्य अपराध हो रहा है, वहां आज हम आप सब कैसे सुरक्षित हैं। पहपट के लाइन में भाव देख पड़ कैसे गवाई हो। आज अनिल प्रधान पागलों से हालत हो गई उस भाई की। 5 बहनों में 2 ही भाई, भगवान ने सब कुछ दिया है। गांव का लोग सारे लोग दुआरे पर जुटल हुन, भाव लगल कैसे मास्टर। अरे गांव के लोग जुटे पारी पारा तारा यस्त भइल, कबले चलिए जात धर्म का तारा। अनिल कनौजिया से हमारी बात हुई, कली प्रधान जी कल भैया, आज के समय में ये परिवेश में हम कुछ कह ना सकते हैं। हम कल कैसन भैया कल आगे कुछ ना बताई। आज तमाम लोग राजनीतिक पार्टी के लोग जब जानकारी होती है कैसन कैसन लोग चलल हुन, आल्हा के लाइन में भाव देख पड़ल कैसे। तवान 47 में जब पवले खबरिया बिरना, वार्ड संख्या 47 चिल्लू पार विधानसभा से एक ऐसे नौजवान की मैं बात कर रहा हूं। ये बिरहा सुने वाला भैया जिनका नाम बताया गया जितेंद्र यादव, सबसे पहले पहुंचने का काम किया है जितेंद्र यादव। अनिल कनौजिया, अनीश कनौजिया की हत्या पर उनके घर पे, इसलिए भाव लगा कैसे।
गांव के पहुंचल बा भाव लगल कैसे नारायण यादव जो अनिल कनौजिया के वार्ड से जिला पंचायत सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के, वह भी पहुंचे हमारे देवरिया जिले के शानदार पहलवान भारत भीम अंतर्राष्ट्रीय पहलवान साधु यादव। जब खबर को पाते हैं साधु यादव भी पहुंचते हैं बड़हलगंज से, हमरे प्रमुख जी चलल हुआ कैसे पूर्व प्रमुख जयाई हो गई ने सातोना देतबा धीरज बधावत बा, जो भी कमी होगी मैं पूरा करूंगा, मुझसे जो जरूरत पड़ेगी मैं अवश्य पूरा करूंगा। लेकिन दीप्ति मिश्रा जो अनीश कनौजिया की पत्नी है बाबू, लोग कहे लगलन यह जिंदगी कैसे आप जिएंगे, आप अधिकारी हैं पंचायत अधिकारी, दीप्ति मिश्रा जी कहती हैं क्या कर रही हैं, कैसे हम जिंदगी जी अब का कहली सुरेंद्र भैया सब इससे कहे दीप्ति मिश्रा बचनिया बिराना क्या बात है। अरे बारे भैया दीप्ति मिश्रा से लोग कहना जीवन कबले जियबो, कलस वह दीप्ति मिश्रा कर रही हैं पंचायत अधिकारी है, कह रही है कि हमारे पेट में अनीश कनौजिया का 6 माह का अंश पल रहा है। अगर भगवान ने चाहा सकुशल मैं रही, बेटा हो चाहे बेटी, मैं उसी को अनीस के रूप में उसकी तस्वीर के रूप में देखकर मैं अपनी जिंदगी गुजार लोगी। सवाल करता हूं है बिरहा सुनने वाला भैया किसका दोष है, कमेंट में आप बताइएगा। लेकिन दीप्ति मिश्रा बता रही है, क्या बता रही है खड़ी कलाई हा मास्टर बाबू कलश के उनका फोटो देख ले ज्ञानी भैया, वही से जिंदगी कटी जाई हमार। लेकिन अब हमके ये दरवाजे से दूर मत करा लो। ए बाबू भाव लगल का कहत बा, अब पेटवा में पलट मारी अब पिया के निशान हो के देख के हम करब बिहार हो।
तमाम बिरहा सुनने वाले जो साथी मेरा बिरहा सुन रहे हैं, चाहे वह विदेश में हो, चाहे हमारे हिंदुस्तान में हो, या गायक कलाकार धनंजय यादव, आपसे गुजारिश करता है, निवेदन करता है, यह हमारे यूपी टॉप म्यूजिक से अब रहा फिर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत बा। ए भैया देखा था बैंकॉक में रह के रोटी बनावा थवा बिरहा सुना थवा त लाइक कर दिया आ सुना और घंटा वाली बटन दबावे के बाद मेरी त बड़ा बिरहा का आनंद आप लोग लेत हुआ कमेंट करिया, कमेंट में आप लोग बतैया ये बिरहा कैसा लगल, ये बिरहा में केकर दोष बा, फैसला आप लोगन के बीच में है भाई, ध्यान दिया कहना बाका गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मोर बाका स्वर्ग चंडिका कभी बच्चन का बिया कफनवा कैसे दे मितवा धनंजय सुबेदार का एक के बाघर नवा